बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी संपन्न अंबेडकर कॉलोनी वशिष्ठ नगर स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास गोष्ठी हुई। यह गोष्ठी अंबेडकर कॉलोनी विकास समिति एवं दलित मोर्चा के द्वारा संपन्न हुई, जिसका संचालन मोर्चा के अध्यक्ष गोरख राम अकेला जी ने किया एवं अध्यक्षता मोर्चा के प्रवक्ता ललन प्रसाद नट ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री अकेला ने कहा कि 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का देहांत हुआ था, जिसे परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। हम जीवन में ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में शिक्षा का संचार हो सके, असमानता मिट सके, मानवतावाद स्थापित हो सके। हम लोग यहाँ पर विचार गोष्ठी करते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं ताकि हमारा क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे आम आवाम को नमस्कार करता हूँ। आज हम लोग अंबेडकर कॉलोनी में, जो यहाँ पर वार्ड नंबर 16 में स्थित है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और बगल में ही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का प्रतिमा, यहाँ हम लोग प्रत्येक साल इनका जयंती और परिनिर्माण दिवस मनाते हैं। जैसा कि आज 6 दिसंबर 2022 है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का आज परिनिर्माण दिवस है, पुण्यतिथि के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हुआ था और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुई थी, जिसको हम लोग जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के मऊ में पैदा हुए थे, रामजी सकपाल इनके पिता और भीमाबाई इनकी माँ थी, जैसा कि रामाबाई इनकी पत्नी थी, तो मेरे दोस्तों ये कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा शख्सियत का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे देश के जो संविधान का निर्माण करने वाले हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे, क्योंकि हमारे जो देश का जो संविधान का जो निर्माण किया गया उसमें ये संविधान सभा के चेयरमैन थे और इनके ही दूरदर्शी सोच से रात दिन मेहनत करके हमारे भारत का संविधान को इन्होंने जो है दिया और उसी संविधान पर पूरा देश चल रहा है। जिन्होंने एजुकेटेड यूनाइटेड और स्ट्रगल की बात किया, शिक्षित बनो संगठित हो एवं संघर्ष करने की इन्होंने जो बिगुल फूका, आज उसी का परिणाम स्वरूप हमारा जो समाज है, जो हाशिए पर था, जो जिसको लोग छुआने से डरते थे, यहाँ के मानवादियों ने जिनको छुआछूत का भेद करके पढ़ने लिखने से भी वंचित किया था, आज उन तमाम बेड़ियों को तोड़ने का काम कोई किया तो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया। तो मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा शख्सियत का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आज पूरा दुनिया में इनको याद किया जाता है। इनके हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर ये संकल्प लेते हैं कि जो है अपने बच्चों को रात दिन मेहनत करके हम लोग पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे, क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। पूरे समाज में जो व्याप्त सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक राजनीतिक विषमता है, यदि इसको पाटना है तो कहने का मतलब शिक्षा रूपी जो है कहने का मतलब हथियार को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के अशिक्षा रूपी अंधकार को हम दूर कर सकते हैं। मेरा नाम है गोरख राम उर्फ अकेला जी, मैं दलित मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में काम करता हूँ और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर जो अंबेडकर विकास समिति है, मैं उसका भी शुरुआती दौर में मैं अध्यक्ष के रूप में काम करता हूँ।